वाह, बिस्तरा फेल भी हो गया। हाय मोंजुलिका, हे मोंजुलिका, हे मोंजुलिका रे। याद रखियो तू देख अब तेरी रोज वीडियो बनेगी सुबह। गुड मॉर्निंग मोंजुलिका, तेरी रोज वीडियो सुबह बनेगी। तू तो पहली बार जल्दी उठा है, मैं रोज उठती हूँ, तू देख तेरी क्या क्या वीडियो बना। तो सुबह उठेगा। मैंने रात को ही पोस्ट डाली थी कि मैं बदला की भावना रखता हूँ। जैसे तूने मुझे उठाया ना आज, वैसे मैं तुझे पूरे हफ्ते उठाऊंगी। मैंने इंस्टाग्राम पे रात को ही पोस्ट डाली थी कि मैं बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं रखता, उससे कुछ नहीं होता। हो मैं बस ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। ब्लॉगिंग करने के नुकसान यही होते हैं कि आपका एक हाथ तो कैमरा पकड़ने में बिजी रहता है, दूसरा हाथ ऐसे कंट्रोल और बस। देखो कितनी अच्छी ड्रम बीट। दुआ देखो। मैंने हजार बार बोला है, जिस बंदे ने दाढ़ी मूछ रखी है थप्पड़ नहीं मारता कभी। तो क्या मारा? ना मारने वाले को मजा आता, ना मार खाने वाले को। ऐसे हिल के अच्छे से बाद दांत साफ होते क्या? गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। मौसम में परिवर्तन होना शुरू हो गया है और जैसे कि आपने कल वाली वीडियो में देख ही लिया होगा कि भाई तैयारी कर रहा है कहाँ जाने की। हाय मजा ही आ जाएगा, मजा। कुछ 8 या 9 दिन का टूर है अपना और अभी से वो प्रेपरेशन होनी शुरू हो चुकी है। पावर बैंक्स वगैरह जो हमने आज तक कभी अनबॉक्स नहीं करे वो होने शुरू हो चुके हैं और साथ में जाएंगे तो हम शिमला से आगे इधर काजा कूजा होके, बट आएंगे हम मनाली होके। तो दिस वुड बी अ ग्रेट सर्किट फॉर अस एंड अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। फिर नेक्स्ट टाइम हम अपनी बेगम को भी अपने साथ ले जाएंगे। थैंक यू, कृपा है आपकी। मैंने तब तक इसको बोला कि अपना थोड़ा सा वेट कम कर ले ताकि बाइक चढ़ जाए। मेरे को मत बोलना, इधर बोलना। नहीं मान रहे ना, ये देख लो 2.5 करोड़ व्यूज, 1.4 करोड़, 1.2, पता है किनके साथ बैठे हम इस टाइम। हेलो भैया जी, हेलो हेलो भाई, वेलकम वेलकम। ये लो भाई साहब, मैं जरा थोड़े गुर सीख लूं फिर मिलता हूं आपसे ब्रेक के बाद। प्लानिंग अ सरप्राइज। क्या? फॉर समवन वेरी स्पेशल। तूने वे किस चीज का किया? वे प्रोटीन का। वे प्रोटीन का बता। नहीं नहीं भाई, बता प्लीज। मैं डायमंड रिंग खरीद रहा हूं अपनी बंदी के लिए। डायमंड रिंग। सेंटर का फोन आया कि गाड़ी आ गई है नीचे, आप प्लीज किसी को भेज दो सामान लेने के लिए। और मैं ना लड़कियों की आवाज में बात कर रहा था। हेलो, हाँ जी। उसे तो चाहो पास में। ओए यार, पकड़ लिया मैंने। क्या हाल है लाला जी? बढ़िया, ठीक हो आप? किसने उठाया था? व्हाट्स अप, आज अनबॉक्सिंग करने वाले हम लोग। फाइनली हमारा वो ड्रीम माइक आ चुका है, लेट अस सी व्हाट्स इनसाइड। सो गाइस, वेलकम टू किटी एंड जारी एंड वी आर अनबॉक्सिंग समथिंग वेरी स्पेशल। किटी हैज गिफ्टेड समथिंग टू आवर जेरी, लेट अस सी क्या गिफ्ट किया है। वी हैव द माइक्रोफोन, द माइक्रोफोन। भाभी कैमरे को दिखा के करना होता है यार, यूट्यूबर यूट्यूब पे हो आप। Yeah.
भाई इस पे एनग्रेविंग दिख रहे हो मुकुल भाई, ओह माय गुडनेस गाइस 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 गाइस, ये देखो गाइस इतनी सी ये चीज़ है और जो इसकी क्वालिटी है मत पूछो यार, मतलब दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वालिटी। कनेक्ट हो चुका है ये, वाओ। और ये देखो गाइस मतलब इतना इतना बल्कि भी नहीं है, इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन भाभी। गाइस इसको अभी हम व्लॉग में यूज करने वाले हैं, तो लेट्स गो राइट इनटू द व्लॉग, लेट्स गो। हेलो हेलो मुकुल भाई, ये लो। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है गाइस? हेलो, DJI का ये जो माइक्रोफोन है वो लिया है और आज बेसिकली हम एक बहुत तगड़ा व्लॉग बनाने वाले हैं। आज हम तीनों जा रहे हैं फैमिली डिनर पे, लेट अस सी, विल चेक दिस माइक एंड विल टेल यू कि माइक किस तरह का साउंड करता है। मुकुल भाई कुछ बोल ना। क्या बोलूं? अरे कुछ तो बोलो, बात ही कर लो मुझसे। अब तो हम दूर बैठ के बात कर सकते हैं। माइक टेस्टिंग चेक 1 2 3, सही आ रही है? मुझे नहीं पता कैसी आवाज आएगी बट देखते हैं। मुझे लग रहा है सही आ रही होगी आवाज, आ रही होगी ना? हाँ सही आ रही आवाज, लेवल्स दिख रहे हैं मुझे, लेवल्स हिल रहे हैं ना, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, एक बार देखें। सही है? नहीं मेरे को कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ ड्रोन ले ले, मेरे बर्थडे पे नहीं वो एनिवर्सरी पे ले लेंगे दोनों मिलके। ठीक है, अभी हम लोग पता क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग माइक टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं भाई, मतलब अभी भी मतलब हम लोग ऐसे प्रो लेवल के यूजर नहीं है मगर फिर भी मतलब अलग ही लेवल पे प्रो हो रहे हैं हम लोग माइक टेस्टिंग। और मैं बड़े आराम से 1 2 3, किटी मैडम जी इधर क्लोजिंग के चक्कर में हैं और इधर ड्राक्टा जी हैं डिनर के चक्कर में। आ गया गुस्सा ही मोटा, ही मैं बताऊं आप लोग को मोटा ही गुस्सा आ गया किटी मैडम को। पर चलो किटी मैडम को सुनाई नहीं दे रहा होगा, किटी भाभी को, किटी जी यार मतलब ऐसा है ना कि हम किटी पार्टी से किटी भाभी हो गए हैं, मतलब ये विश लिस्ट में था मेरे बहुत पहले से, तो हमने सोचा कि और नहीं तो क्या, जो भाभी गालियां दे रहे होंगे मुकुल भैया को वो सब सुनाई देंगे स्पष्ट। अब ऐसा है कि भाभी किच सोचो मुकुल भैया कमरे में व्लॉग कर रहे हैं, भाभी किचन में खाना बना रहे हो और चिल्लाए कुछ, सोचो ना यार उल्टा होता है भाई, खाना मैं बना रहा हूं। चलो देखो ना अगर भाभी कुछ भी बोल रहे होगे ना रूम से वो भी आएगा व्लॉग के बीच, मजा आ जाएगा यार, एग्जैक्टली ना, और क्योंकि मेरे को पता है मजा आ जाएगा, मजा भाई कसम से यार। सो गाइस प्लीज कमेंट डाउन बिलो हाउ डू लाइक द ऑडियो सिस्टम एंड कुडोस टू मुकुल भाई, मुकुल भाई ने इतनी मेहनत की है और इन्वेस्टमेंट मेहनत से उन्होंने भाभी ने लेके दिया है गिफ्ट। मैं वही कह रहा हूँ इतनी मेहनत की है ना भाभी की सेवा करने में, मजा आ गया कि इनको गिफ्ट मिल गया, इसलिए बोलते हैं जनानियों को खुश रखो आपको सब कुछ मिलेगा। सही बात है, और भाभी तो माँ समान होती है, भाभी मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ भाभी। भाभी मेरे को भी अगले महीने एक सेट और, भाभी प्लीज, भाभी प्लीज, आप बहुत अमीर हो, मुंह पे मार दो भाभी, कोई बात नहीं माइक दिलवा दो ये वाला, वो ले ले तू जो पीछे वाला था। अभी हम लोग चल रहे हैं क्या डिनर के लिए? हाँ हम आज डिनर के लिए जा रहे हैं, चलो फिर मिलते हैं। और ये हो गया, हो गया। तो अब ऐसा है कि घर जैसा है, अभी सलोन की हो चुकी है क्लोजिंग और ड्राक्टा जी मैं और किट्टी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। कहाँ हम जा रहे हैं जी? बडीज, बडीज वही अच्छा, मतलब बेस्ट प्लेस है, मतलब और मतलब एक फैमिली डिनर के लिए ना, वो वाइब के लिए ना, दिस इज द बेस्ट प्लेस। यस, और क्या आज हमने टैटू किया? नहीं किया टैटू, इसलिए नहीं किया क्योंकि डिज़ाइन फाइनलाइज नहीं था। क्लाइंट ने मेरे को बोल दिया था कि आज हम डिसाइड करेंगे कि हमने सही है क्या बनाना है, बनाएंगे हम कल, तो कल 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स हो चुकी है टैटू की। बहुत ही प्यारा टैटू होगा, कलर्ड नहीं मान रहा लड़का भाई, कलर्ड ही करूँगा मैं, ठीक है जी? सेक्सी भाई, मतलब की फील आ रही है अभी तो ना, मतलब मेरे को बड़ी प्रोफेशनल सी फील आ रही है, मतलब इसको कैरी करती। गाइस आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस ब्लॉग में कुछ अलग दिख रहा है आपको, हमारे दोनों के कॉलर्स पे जो लटका हुआ है दैट इज़ DJI का वायरलेस माइक्रोफोन और इसमें दो ट्रांसमीटर्स है, एक रिसीवर है एंड इसकी क्वालिटी चुम्बेश्वरी है और आज उसी को हम टेस्ट आउट करेंगे, टेस्ट करेंगे आज, क्योंकि इसके बाद जब पॉडकास्ट शुरू करेंगे मुकुल भाई, आई होप इन्हें बताया होगा आपको बहुत जल्दी जब पॉडकास्ट आएंगी तो इस क्वालिटी की वीडियो और ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी। माय जी आने वाला, चले किटी मैडम पता नहीं कहाँ चलेगी भाभी। ओके सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग फॉर द फैमिली डिनर और बहुत मजा आने वाला है, आई जस्ट होप यू कैन हियर मी, और अगर ये हो रहा होगा मजा आ जाएगा। व्हाट इज दिस? आ बैठो सामान, मैं बता रहा हूँ तेरे को मजा आ गया, ऑडियो सुनाओ तो सही। सुनाता हूँ हाँ,
So guys, sab chale. Thanks Kitty for this wonderful gift. अरे this is very beautiful gift यार. Thanks यार. This is audio. ये क्या घोड़े के लिए चने रखेंगे इसमें? ये तुल्या खाती है यार. Oh. चल मैं अब इसको पॉज, मैं तुल्या की जितना क्यूट होना चाहता हूँ. गाइस अब हम डायरेक्टली आपको मिलेंगे. कहाँ? अब हम आपको डायरेक्टली मिलेंगे. बडीज. हेलो बडीज. भाई ने करेक्ट कर दिया होगा. लो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं बडीज. अभी सी देर, हु इज देर, से हाय टू द व्लॉग. करना पड़ेगा यार, आपका चैनल है ये. ये क्या शक्ल बना रहे हो गाइस? ये इनको ना अभी आदत पड़ने वाली नहीं. ऊपर का काम भी छेड़ दिया भैया ने यार. गलत ही छेड़ दिया भाई. ये तो यहाँ तो ऊपर तगड़ा ही हो सकता है कुछ. हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं चल. अपना बैग ठीक से पहनेंगे. वी आर प्राउड व्लॉगर्स. प्लीज प्लीज करके जान निकाल देती है. और नहीं तो क्या, मैं व्लॉग करता हूँ यहाँ से. चलो हद होगी. मेरे तो चेहरे पे लिखा भी है कि मैं व्लॉगर हूँ. हेलो भैया, आज हम ब्लॉग बनाते हुए आ रहे हैं बाहर से. भी ले लो. क्या बात है, वी आर राइट हेयर एट बडीज. मतलब एक सेकेंड कहाँ से? हाँ तो फाइनली वी आर एट द बेस्ट कैफे ऑफ शिमला, दैट इज बडीज कैफे एट सेंट जॉली. आप लोग जानते भी होंगे ऑलरेडी, और आज तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे. थैंक यू सो मच भैया. पिछले 8-10 साल से कर रहे हैं. इनको आज बता देंगे ना. इनको पता है, इनको सबको पता तो है. अब बताइए आप उसके बाद. इसके साथ ही जाऊंगी मैं कहीं खाना खाने. असली है भाई. इसने तोड़े भैया, मैंने नहीं तोड़े. छोटे से हाथ रखे हुए तुमने यार. कैमरा हटाओगे? उधर बैठना नहीं, अभी नहीं बैठेगा कोई. पॉडकास्ट सेटअप चल रहा है. हां उधर ही बैठते हैं. ठीक है, आ जाओ प्लीज. Nice यार, है ना? सेक्सी ना? रोटेटिंग डायल, अब ये फंस चुका है. पहले रोटेटिंग था ये, जब नई ली थी. शादी के जैसा ये भी फंस जाती है कुछ सालों बाद. नहीं छः तो ज़्यादा होता है, कुछ सालों बाद की बात कर रहा है. बस ये ऑडियो नहीं आई. अब क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूँ? हाँ यार प्लीज यार, अब अमीर को बोलना ही नहीं है. जैसे मैं पहले इतनी शिद्दत से जो बोला मतलब ऐसा लगा मुझे कि मैं जोधा अकबर के डायलॉग बोल रहा हूँ. माय गॉड. पर गाइस हमने ऑर्डर किया हनी चिली कॉलीफ्लावर. मोमेंट मिस हो गया. हाँ पर दिक्कत ये है कि अगर कॉली में फ्लावर ले आया ना वो हो जाएगा. हनी चिल्ली का क्या करेंगे फिर जब कॉली में फ्लावर ले आएगा. बेस्ट तरीका तो ये, अगर मेरे को कोई बोलेगा हर चीज कॉलीफ्लावर, मेरा 2 मिनट सर कॉलीफ्लावर. यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. ये हमने वो डीजीआई का डिवाइस के लिए हमने चार्ज कर. गाइस ये आ गया हमारा हनी चिली कॉलीफ्लावर. अरे मोमोज भी आ गए. ओ वाओ, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार. गाइस आया मजा. मैं इसी चीज का वेट कर रहा था. जाएगा तेरा मोमो है ना? आ गया मजा. चश्मा तो देखो इसके, चश्मे में फॉग आ रही. चश्मे में फॉग कहाँ से आ रही भाई? है
चश्मे में फॉग, आई जस्ट टुक अ सोना, वाओ ये तो बहुत सही बना है हनी सिंह कॉलेज यार, टेस्टी है, मतलब बेस्ट इन टाउन है, मतलब मैंने जितनी भी जगह कॉलीफ्लावर खाया ना एक ही जगह खा रहा हूँ अभी पहली बार, तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा। वाओ यार ये ना आउट ऑफ द टेबल कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं विच इज़ वेरी बैड एटिकेट्स, मतलब ये तो 6 लाख बर्बाद करके इनको भी समझ आया है कि आउट ऑफ द टेबल की आवाज़ नहीं सुनते हैं। मैंने और मुकुल ने तो रिएक्ट भी कर लिया, तूने सुनी नहीं इसलिए बता दिया। पर है, आई हैव नो फकिंग आईडिया गाइस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली लेट स्ट्राइक ऑफ, छोड़ दूँ इसको, लिया क्यों है इतना महंगा। गाइस बाय द वे कहा जा रहा है कि भाभी ने गिफ्ट किया है, लेकिन मुकुल भैया की एक किडनी गई है इसमें, आग लगा दूं कि सच बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी भाभी नहीं दिया गाइस। मुझे मेरी किडनी से बहुत प्यार है, भाभी वीडियो खत्म होने के बाद मेरी किडनी लगाऊंगी, आई लिटरली से आग लगाऊंगी, आई नो मैंने लगाई एक बार गाइस। आज का व्लॉग आधे घंटे का बनेगा, क्यों बनना आधे घंटे का भाई जी, तो ऐसे ही हम गप्पे मार रहे हैं। आपकी शक्ल आ रही है इसमें, मम्मी वहां से बोलती थी की स्पीड हम कैसे कहेंगे, मेरी कोरोना वैसे बैठा हुआ है।